दोस्तों, हम हर रोज हमारी आंखों से इस धरती की खूबसूरती को देखते आ रहे हैं। खूबसूरत फूल, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, ऐसे बहुत कुछ। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। और जब बात आती है धरती के बाहर की दुनिया को देखने की, तब हमारे आंखें सिर्फ चांद और छोटे छोटे तारों को ही देख सकता है, क्योंकि इनको करीब से देखने की शक्ति हमारे आंखों के पास नहीं है। इसलिए हम मदद लेते हैं कुछ ऐसे टेलीस्कोप की जो कि हमें धरती के बाहर की दुनिया को दिखा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले टेलीस्कोप आज से 414 साल पहले बनाया गया था, जिसको बनाने के लिए कुछ लकड़ी और लेंस को लिया गया था, जिसका पावर सिर्फ आसमान की कुछ बड़े तारों और ग्रहों को ही दिखाना तक ही सीमित था। तब से लेकर आज तक रेवोल्यूशन यानी करीब 400 साल के बाद हम एक सुपर डेवलप्ड टेलीस्कोप के पास पहुंच चुके हैं। यह टेलीस्कोप हमें बिग बैंग, जो कि हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर के दूर है, उसको भी दिखा सकता है। यह टेलीस्कोप 13 बिलियन लाइट ईयर पहले की दुनिया को दिखा सकता है, और उसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिसके मदद से हम धरती के पास्ट में मौजूद डायनासोर को भी देख सकते हैं। यूनिवर्स में मौजूद कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से आने वाले इंफ्रारेड लाइट्स को भी दिखा सकता है। दोस्तों, ये सुपर डेवलप टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक टेलीस्कोप हमें धरती की शुरुआत के बारे में बताएगा, और आने वाले समय में यह हमें टाइम ट्रैवल करने की एहसास भी दिलाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा बनाया गया एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को नासा के द्वारा 24 जनवरी 2022 को अपने ऑर्बिट यानी सेकेंड सनार लैग्रेंज L2 पॉइंटिंग पर पहुंचाया गया। डेकोलाज लिफ्ट ऑफ फ्रॉम अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू द एज ऑफ टाइम इटसेल्फ, जेम्स वेब बिगिंस अ वॉयेज बैक टू द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, हमारी धरती पर इतना बड़े बड़े टेलीस्कोप रहते हुए भी हम स्पेस को बारीकी से देखने के लिए हमें टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने की जरूरत पड़ता है। टेलीस्कोप बेसिकली एक लाइट कलेक्टर होता है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद अलग अलग लाइट वेव को कैप्चर किया जाता है। इन कैप्चर्ड लाइट वेव्स को एनालाइज करके हम स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाते हैं। हमारे धरती के एटमोस्फेयर कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद काफी सारे वेव को ब्लॉक कर देता है, जैसे कि गामा रे, एक्स रे, इंफ्रा रेड रे और रेडियो वेव। इसलिए हम इन वेव को एनालाइज करने के लिए टेलीस्कोप को हमारे धरती के एनवायरनमेंट के बाहर भेजने की जरूरत पड़ता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जेस वेब और ZWST के नाम में भी जाना जाता है। ये टेलीस्कोप को नासा की मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप माना जाता है। इसको बनाने के लिए $10 बिलियन की खर्च किया गया था। फिर 25 दिसंबर 2021 में यूरोप स्पेस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप की वजन 6500 किलो है। इसमें 21.3 फीट की गोल्ड प्लेटेड मिरर लगाया गया है, क्योंकि गोल्ड इंफ्रारेड लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे पहले कि जितने भी टेलीस्कोप स्पेस में भेजे गए, वो सब विजिबल लाइट वेव को ही डिटेक्ट कर पाता है, जो कि इंसान के आंखों को विजिबल होता है। लेकिन विजिबल लाइट से स्पेस में मौजूद स्पेस डस्ट, स्मोक जैसे पार्टिकल्स को पार करके ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को डिजाइन किया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद उन सभी लाइट को देख सकता है जो इंसान की आंखों को दिखना नामुमकिन है। इंफ्रारेड वेव की वेवलेंथ बाकी सब वेवलेंथ से लंगर होता है, जिसके कारण ये डस्ट, क्लाउड, गैस जैसे जंक को पार करके ऑब्जेक्ट को देख सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ईगल नेबुला की ये तस्वीर। ये तस्वीर इंफ्रारेड लाइट में अलग और विजिबल लाइट में अलग दिखता है। इसीलिए ये टेलीस्कोप बिग बैंग की शुरुआत यानी 13.8 बिलियन साल पहले से ही ट्रैवल कर रहा लाइट को देख सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगाया गया मिरर बाकी सभी टेलीस्कोप के तुलना में 20 गुना ज्यादा बड़ा है। हीट सोर्स से आने वाली इंफ्रारेड से बचने के लिए इस टेलीस्कोप में 22x12 मीटर का 4 लेयर का एक सन शील्ड लगाया गया है, जो कि उसे सूरज से आने वाली धूप से भी बचाता है। ये टेलीस्कोप बहुत ठंडे तापमान में भी काम करने वाला एक टेलीस्कोप है। ये -223 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है। ये टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। अब आइए जानते हैं इस L2 पॉइंट के बारे में। हमारे यूनिवर्स में ऐसे 5 पॉइंट मौजूद है जो कि मेटास्टेबल होता है, जिसको जोसेफ लुईस लैग्रेंज
18th सेंचुरी में खोजा था। इन्हीं के नाम से ही इस पांच पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हो इसमें L1, L2, L3 एक सीधी लाइन में मौजूद है और L4 और L5 इस लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। इसलिए ये पांच पॉइंट हमेशा सेम डायरेक्शन पर ही रहते हैं। इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी अपनी खुद की पोजिशन को सेम डिस्टेंस में रखने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से सेम डिस्टेंस और एक स्टेबल पॉइंट में रहने के लिए L2 पॉइंट को सही चुना गया। जेम्स वेब हमेशा सूर्य और पृथ्वी की सीधी लाइन में ही मौजूद होता है। पृथ्वी की शैडो इस टेलीस्कोप के ऊपर हर 90 मिनट के अंदर पड़ता है। सबसे पहले इस टेलीस्कोप का नाम NGST रखा गया था। NGST का मतलब नेक्स्ट जेनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। इसके बाद इसका नाम बदलकर नासा के सेकेंड एडमिन जेम्स डुइप वेब के नाम से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। शायद आपको पता होगा कि लाइट सूरज से निकलकर धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है। इसलिए जब हम सूरज को देखते हैं तो हम सूरज को 8 मिनट के बाद देखते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हमारे धरती में सूर्य उदय के 8 मिनट के बाद हम सूरज को देख पाते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में लाइट को ट्रैवल करने के लिए कुछ टाइम लगता है। इस लाइट को एनालाइज करके ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी कुछ इसी तरह काम करेगा। बिग बैंग होने के टाइम के बाद से ही आने वाले इंफ्रारेड को ये टेलीस्कोप एनालाइज करेगा, जो कि 13.8 बिलियन साल पहले से ही निकला था, जो कि हमें धरती की शुरुआत के बारे में भी जानकारी देगा। चलिए जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के कुछ मिशन के बारे में। सबसे पहला मिशन होता है हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में जानना, गैलेक्सी कैसे बनता है और कॉस्मिक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ कैसे जुड़ता है इसके बारे में पता लगाना और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, हमसे दूर मौजूद ग्रहों की एनवायरमेंट के बारे में भी जानकारी भेजना। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मिशन मौजूद हैं जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले समय में पूरा करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेलीस्कोप आने वाले 20 सालों तक ऑपरेशनल रहेगा। इसके मदद से स्पेस के बारे में इंटरेस्टेड लोगों की आने वाले 20 साल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह टेलीस्कोप एक ऐसा एडवांस लेवल का टेलीस्कोप होगा जो कि किसी आम इंसान के सोच के बाहर है। अगर आप ये वीडियो 12 जुलाई 2022 के बाद देख रहे हैं तो आप इस टेलीस्कोप के द्वारा लिए गए फोटोज को देखने के लिए आप नासा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, क्योंकि इस टेलीस्कोप की पहला इमेज का पब्लिकेशन डेट यही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप का भविष्य में किए जाने वाले खोज के लिए या फिर टाइम ट्रैवल के लिए हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। आप भी कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में बताना। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।